हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शुभम ट्यूटोरियल्स में। आज हम सीखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और हम आपको मैथ्स 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स के सारे चैप्टर्स डिटेल में समझाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और हम आपको उसके वीडियो जल्दी से जल्दी भेज देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हम बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे ताकि हमारे सारे के सारे वीडियोस आपकी आपके पास पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे नंबर्स में बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। पहले हम सीखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम नॉर्मली काउंट करते हैं नॉर्मल डेज में। अब सेकेंड है हमारा होल नंबर, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर जैसे ही है, सिर्फ उसमें जीरो लगा देते हैं। अब हम सीखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जैसे इसमें माइनस, प्लस, जीरो, सब कुछ सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब हम सीखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जिसमें अपॉन, जीरो, डेसिमल, सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। जैसे कि a अपॉन b लेंगे और उसमें b हमारा नीचे का डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो होना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लेंगे 15/5, देन 4, और याद रखना अगर 4 है और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 होगा। फिर हम लेंगे -3, ऐसे ही जीरो, अगर जीरो लेंगे, ऐसे ही हम नंबर्स लेते जाएंगे। अब चलिए हम नंबर लाइन सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइंस। यहाँ पर नंबर लाइन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एक लाइन और उसमें लिखा है पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। और याद रखना हमारा पॉजिटिव नंबर्स हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा। और नेगेटिव नंबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। और हाँ, नंबर्स के लाइन के नीचे ही हमें सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं। और मैं एक बता दूं कि अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाने लगेंगे तो हमारे नंबर्स के वैल्यूज़ कम होते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे कि यहाँ पर 8 है, फिर उसके बाद 7, 6, 5, ऐसे ऐसे हमारे सारे के सारे नंबर्स डिक्रीज होते जाएंगे और उसके वैल्यूज़ डिक्रीज होते जाएंगे। और यहाँ पर हम इस नंबर लाइन में हम सारे के सारे नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, सारे के सारे नंबर्स इसमें आ सकते हैं। तो हम पहले एक वैल्यू दे लेते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर लेंगे 1/5। 1/5 को हम पहले डिवाइड करेंगे, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन से नंबर में वो डिनोट कर रहा है। 1/5 को डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 0.2। 0.2 हमारा कहाँ पर आ रहा है, हमारा 0 से लेकर के 1 के बीच में आ रहा है, 1 के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लेंगे एक 1 और ये 2, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है तो यहाँ पर हम 0.2 लिख देंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लाइन नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए मैंने इसलिए एडजस्ट करके 0.2 लिखा है। फिर हमें अब हम देखेंगे कि पॉइंट्स को नाम कैसे देते हैं। जैसे कि हमारा ये 0.2 को हमने ए नाम दे दिया है, तो ए नाम हमारा अल्फ़ाबेट हमेशा ऊपर रहेगा। और नंबर हम लेंगे 3/2। 3/2 को हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.5। तो हमारा 1.5 इसमें कहाँ कौन से नंबर में आ रहा है। और याद रखना अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव साइन रहेगा अगर इधर तो नेगेटिव में लिखेंगे। मीन्स अगर मैंने यहाँ पर 0.2 पॉजिटिव में लिया था, अब मैं इसे नेगेटिव में ले रही हूँ, तो नेगेटिव में हमें कहाँ पर आएगा, ये 1 to 2 के डिस्टेंस के बीच में आएगा 1.5। तो सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया है नंबर, और यहाँ पर हम 1.5 नहीं लिखेंगे, जो हमारा 3.2 क्वेश्चन में था वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बड़ा सा एरो करके 3/2 लिख देंगे, अगर ये हमारा सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं बी। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेंगे, द नंबर इंडिकेट्स बाय द पॉइंट बी। हमारा पॉइंट बी इसमें आ रहा है यहाँ पर,
टू माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट में आ रहा है माइनस माइनस 2.5। हमें ऐसा नंबर लेना है ताकि अगर हम डिवाइड करें इस नंबर को तो हमारा आंसर माइनस 2.5 में आए। और याद रखना हमारा बी यहाँ पर इंडिकेट हुआ है, तो यहाँ पर हमारे माइनस के नंबर्स है, तो हम कोई भी अगर नंबर हमें बी के आंसर आएंगे तो हम उसमें उसको माइनस में ही लिखेंगे। जैसे कि हम 2.5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा पहला नंबर हम लेंगे 10/4, मतलब -10/4। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा -2.5 आएगा। सेकेंड नंबर हम अगर देखें तो ले सकते हैं 5/2, यहाँ पर हम अगर डिवाइड करेंगे तो -2/5 आएगा। फिर हम तीसरा नंबर ले देखें तो -20/8, अगर हम इसे भी डिवाइड करेंगे तो -2.5 आएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा -2.5 आएगा। तो यहाँ पर अगर आंसर लिखना है तो हम इन तीनों में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं ताकि हमारा -2.5 आए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इंडिकेट्स द नंबर 1/3/2। यहाँ पर पहले अगर यहाँ पर हमारा 1 और 1/3/4 लिया है, अगर याद रखना अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर हमारा हमेशा प्लस आएगा। अगर यहाँ पर माइनस 3 है तो भी हम यहाँ पर माइनस तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर हमारा, मैं ये नीचे लिख देती हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर हमारा 1/3/4 है, तो अब हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर प्लस रहेगा तो हमें सबसे पहले 1 के नीचे का नंबर सेम करना होगा। अब मैंने आपको पहले ही कहा था अगर नंबर ऊपर है और नीचे कोई नंबर नहीं है तो उसके अपॉन में हमेशा 1 रहेगा। 1 को पहले हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, नीचे डिनोमिनेटर 4 है तो नीचे वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्लस का है साइन है इधर, तो अगर हमने नीचे को प्लस को इंटू 4 किया है तो ऊपर वाले को भी इंटू 4 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा ये नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, फिर यहाँ पर हमारा आंसर आता है 1/4 और ये +3 एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने यहाँ का डिनोमिनेटर चेंज नहीं किया है, तो ये 4/3/4 हो जाएगा। फिर ये 4+3 और 4+3 करके जो भी आंसर आएगा उसको हम 4 से डिवाइड कर, 3 अगर हम करेंगे अपॉन 4 को तो 4+3 हमारा आएगा 7 और ये अपॉन 4 एज इट इज रहेगा। फिर हमें 7 और 4 को डिवाइड करना है जो कि हमारा आंसर आएगा समथिंग लाइक दैट 1.75 हमारा इसके बीच में आ रहा है, 1 से लेकर के 2 के बीच में। पहला हमारा फर्स्ट डॉट है 1.25, फिर सेकेंड डॉट है 1.50, फिर हमारा थर्ड डॉट आ रहा है 1.75 और थर्ड डॉट में हमारा सी है इधर, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि सी अल्फाबेट डिनोट कर रहा है 1.75 को। तो ये हमारा सॉल्व हो गया सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है डी डिनोट्स द नंबर 5/2, इज इट ट्रू और फॉल्स, वी हैव टू प्रूव दैट। हमें प्रूफ करना है कि 5/2 जो डी डिनोट्स कर रहा है नंबर को वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम 5/2 को डिवाइड करेंगे इसे तो हमारा आंसर आएगा 2। यहाँ पर हम 5/2 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5। तो हम ये देखेंगे कि 2.5 हमारा ये प्लस में है तो हम इसे प्लस के नंबर्स में देखेंगे। 2 और 3 के बीच में आना चाहिए ये, यहाँ पर हमारा ये 2 है, फिर ये 2.2, फिर ये आ जाएगा हमारा 2.5 जो हमने आंसर आया था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये डी उसके साथ में ही है, मतलब ये आंसर ट्रू है। हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि ये आंसर ट्रू है। अगर ये 2.5 के यहाँ पर डी नहीं होता तो ये फॉल्स होता। तो आज हमने सीखा कि अगर 5/2 डिवाइड करके 2.5 आ रहा है और वो डी में आ रहा है तो ये ट्रू है। ऐसे ही वीडियोस, पसंदीदा वीडियोस लेने के लिए, पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।